So on 1st January, I decided to go Bangla Sahib CP instead of metro and see the traffic jam I noticed on the road. बहुत बड़ा ट्रैफिक जैम था. ऑटोस, बस, टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स बहुत ही पैक होके चल रहे थे. एंड बिकॉज़ 1st of January को संडे भी था, तो ऑब्वियस था सब लोग अपनी फैमिली के साथ घूमने फिरने और गॉड को वर्शिप करने, थैंक यू देने भी निकले हुए थे. ट्रैफिक बहुत था. सीपी पहुँचते पहुँचते ट्रैफिक थोड़ा सा कम हुआ क्योंकि डिवाइड हो गया आईटीओ से, बट सीपी में भी उतना ही क्राउड था जितना न्यू ईयर पे होता है. रोड पे भी था और लोग ग्राउंड्स पे भी थे, पार्क्स में भी थे और इनर सर्कल में भी बहुत थे. जस्ट सी द ट्रैफिक एंड पब्लिक ऑन द रोड. बस से मैं यही कैप्चर कर पाई क्योंकि रोड पे इतना ट्रैफिक था. जब हम बंगला साहिब पहुँचे तो दिल ही दहल गया. इतनी पब्लिक, इतनी पब्लिक, इतनी तो पब्लिक मैंने हनुमान मंदिर सीपी में भी नहीं देखी जितनी पब्लिक मैंने गुरुद्वारा बंगला साहिब सीपी में देखी. लोग वेटिंग लाइन में खड़े हुए, पार्किंग लॉट्स फुल, कुछ लोग तो बाहर से ही दर्शन करके बाबा जी को नमस्ते करके हैप्पी न्यू ईयर बोल के वापस वहीं से लौट रहे थे. तो हमने भी यही डिसाइड किया, हमने भी बाबा जी को बाहर से नमस्ते हैप्पी न्यू ईयर करके वहीं से लौट गए क्योंकि अंदर जाने की कोई गुंजाइश नहीं थी. जब हम गुरुद्वारे के लिए रास्ते में ही थे, गुरुद्वारे के बिल्कुल सामने ही, तो हमने देखा एक अंकल जी बेहोश होके गिर गए. उसमें मैंने कैमरा हाथ में ले रखा था मगर उनकी वीडियो बनाना मुझे अच्छा नहीं लगा. तो मैं बस ये बोलना चाह रही हूँ कि जब आप कभी भी ऐसी क्राउडेड एरिया देखें तो अवॉइड करें जाना. भाई बहुत भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है. हम बाबा जी को बाहर से ही मत्था टेक लिया, वाहेगुरु जी को, कल परसों आएंगे यार. बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है, लंगर भी नहीं चखने का मुझे लगता है आज मौका मिलेगा. मेरे को लंगर भी चखना था कल परसों तरसों, मतलब एक हफ्ता कल भी आना है, ट्राई करूँगी कल आने का. बट तो ये लंगर हॉल वन है, ये लंगर हॉल वन है. लंगर हॉल टू जो है वो सरोवर के उस तरफ पड़ता है जिसका रास्ता छुपा हुआ है, जिसमें जिसका रास्ता मैंने अपनी यूट्यूब की वीडियो में दिखाया हुआ है. तो ये लंगर हॉल है, लोग लंगर चल रहे हैं. क्राउड देख लो भाई, क्राउड. ये दूसरी एंट्रेंस है. अरे दिखाने दे यार, पब्लिक आई है. ये लंगर हॉल, वाहेगुरु जी खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह. बहुत ज़्यादा ये पीछे, और ये एग्ज़िट गेट नंबर 2 एग्ज़िट है ये गुरुद्वारे का, पीछे से है ये गोल्डा खाने की तरफ से. और यहाँ से बसें सर्विस बहुत अच्छी हैं मगर बसें भी बहुत भरी हुई जा रही हैं, दिख रही है मुझे. और ट्रैफिक जाम बहुत ज़्यादा है सीपी में. लेफ्ट हो जाइए, लेफ्ट. ये यहाँ से बस बाहर आते संगी बस स्टैंड है टू योर लेफ्ट इस तरफ से. और क्योंकि यहाँ सिटी में तो ट्रैफिक जैम है ही मगर यहाँ से बसेस इजीली अवेलेबल हो जाती हैं कहीं भी, कहीं के लिए भी. तो हम गाड़ी, तो बसेस सर्विसेज यहाँ पे बहुत अच्छी हैं मगर आज एज यू कैन सी भाई भीड़ देख लो वाहेगुरु जी के दरबार पे. आज बाबा जी ने कितने लोगों को अपने दर्शन कर रहे हैं. आज बंगला साहिब सीपी फुल्ली क्राउडेड मैन, फुल्ली क्राउडेड. वो बेचो की पापा रोड है, अभी जाते रहे तेरी पूरी तरह आगे जाओगे.